हेलो नोट्स गाइस, वेलकम टू आईडी। सो गाइस, मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सो आज इस वीडियो में मैं देखाऊँ कि ऐसे मस्त फोटो एडिटिंग। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मस्त होने वाला है। सो बट एक्साइड लाइक एंड चैनल नया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी बजा देना, क्योंकि ऐसा नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना, सिंपली गैलरी पर जाके जो मॉडल का फोटो है वो फोटो को सिंपली सिलेक्ट कर लेना एंड सेंड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो गाइस, फोटो मैप पर क्लिक कर देना। एंड आप लोग जानते होंगे कि फोटो मैप बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड इरेज करता है, तो सिंपली मॉडल का जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से इरेज कर लेना। ओके, सो देख सकते हो गाइस, मॉडल का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, तो सिंपली गाइस फोटो को सेव कर लेते हैं। तो आप चले आना बैक पर एंड सिंपली गाइस गैलरी पर जाके ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना। और गाइस हाँ, इस बैकग्राउंड मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना। एंड करने के बाद गाइस सिंपली सेम ऑप्शन पर क्लिक करके पिक्सर पर चले जाना। एंड पिक्सर में आके गाइस सिंपली गाइस स्क्रॉल करके साइड पर चले जाना एंड यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करके ड्रॉ पर चले जाना। तो आने के बाद गाइस यहाँ पर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर बना लेना एंड यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना। तो ये वाला PNG गाइस, जो पंखा वाला PNG, ये सिंपली गाइस सिलेक्ट कर लेना। ओके, एंड सिलेक्ट करके गाइस कुछ ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना एंड करने के बाद कुछ ऐसे यहाँ पर सेट कर लेना। ओके, करने के बाद गाइस फिर से एक एम्प्टी लेयर बना लेना एंड एड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके एड फोटो पर चले जाना एंड जो मॉडल का फोटो है वो फोटो सिंपली गाइस सिलेक्ट कर लेना। ओके, सिलेक्ट करके गाइस कुछ ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके एंड थोड़ा सा बड़ा कर लेना एंड बड़ा करने के बाद गाइस कुछ ऐसे सेट कर लेना। ओके, तो आप क्या करना है, फिर से गाइस एक एम्प्टी लेयर बना लेना एंड यहाँ पर एड फोटो पर चले जाना एंड ये जो स्टोन है ये स्टोन सिंपली गाइस सिलेक्ट कर लेना। ओके, एंड सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर क्लिक करके स्टोन को कुछ ऐसे नीचे की तरफ खींच लेना। ओके, सो देख सकते हो गाइस, स्टोन कुछ ऐसे नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर कुछ स्टोन को छोटा कर लेना तो ऐसे सेट कर लेना। ओके, तो सेट करने के बाद फिर से एम्प्टी लेयर बना लेना एंड बना के गाइस कुछ कलर पर क्लिक कर देना एंड ब्लैक पर रख देना एंड यहाँ पर ब्रश चूज कर लेना कुछ ये वाला एंड इसका जो हार्डनेस को हार्डनेस ओपेसिटी माइनस कर देना, -5 पर रख देना एंड जो ब्रश है ब्रश का साइज अपना मतलब रख देना। ओके, एंड रखने के बाद गाइस थोड़ा सा जूम करके ये जो मॉडल का जो पैर के ऊपर ऐसे शेड वगैरह मार लेना एंड अच्छे से मार लेना जैसे कि रियलिस्टिक देखने को आए। सो गाइस, करने के बाद गाइस सिंपली गाइस जो शेडो है उस शेडो को कुछ ऐसे नीचे की तरफ खींच लेना। ओके, सो देख सकते हो गाइस कुछ ऐसे ही रियलिस्टिक देखने को आ जाएगा। तो आप क्या करना है, सिंपली गाइस राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर सिंपली सेव ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करना, मोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड मोड ऑप्शन से गाइस लाइट रूम के अंदर सेंड कर देना। ओके, सो देन गाइस देख सकते हो मैं लाइट रूम के अंदर आ चुका हूँ। तो आप क्या करना, सिंपली राइट ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लेना, कॉन्टेस्ट को थोड़ा सा माइनस कर देना, हाईलाइट को भी माइनस की तरफ कर देना एंड शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेना एंड व्हाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना, ब्लैक को थोड़ा सा माइनस कर देना। ओके, एंड उसके बाद कलर पर चले जाना। कलर पर आके गाइस सबसे पहले क्या करना, मिक्स टूल पर चले जाना एंड गाइस सबसे पहले क्या करना, मॉडल का जो फेस है फेस को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना। सो सिंपली गाइस ऑरेंज कलर पर सिलेक्ट कर लेना एंड सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देना एंड लुमिनस को प्लस की तरफ। देन गाइस देख सकते हो मॉडल का जो फेस है फेस थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब लोगों को बिफोर एंड आफ्टर दिखाई देता हूँ। सो आप क्या करना, सिंपली येलो कलर पर सिलेक्ट कर लेना एंड येलो कलर का जो सैचुरेशन है सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेना एंड जो ग्रीन है ग्रीन का जो सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेना एंड ह्यू थोड़ा सा माइनस की तरफ कर देना।
उसके बाद या फिर जो स्काई ब्लू कलर भी सिंपली ऐसे कर देना सैचुरेशन प्लस एंड ह्यू माइनस। उसके बाद ब्लू कलर आपके ब्लू कलर को भी सैचुरेशन बढ़ाना एंड ह्यू थोड़ा सा बढ़ा लेना। ओके गाइस, तो आप क्या करना, सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस सिंपली चले आना ग्रेडिंग पर। ग्रेडिंग पर आके गाइस सबसे पहले क्या करना, हाईलाइट पर चले आना। हाईलाइट पर आके गाइस यहाँ पर छोटा सा एरो है, एरो पर क्लिक कर देना। एंड क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले क्या करना, जो ह्यू है ह्यू को गाइस कुछ ऐसे रख देना ब्लू के ऊपर एंड सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेना। उसके बाद जो ब्लेंडिंग है ब्लेंडिंग को थोड़ा सा बढ़ाना एंड बैलेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना एंड लुमिनस को भी हल्का सा बढ़ा लेना। उसके बाद चले आना शैडो के ऊपर। शैडो पर ऊपर आके गाइस येलो सेलेक्ट कर लेना ह्यू एंड सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेना एंड लुमिनस थोड़ा सा माइनस की तरफ कर देना। उसके बाद चले आना मिड टोन पर। मिड टोन पर आके गाइस कुछ ऐसे ही पिंक कलर के ऊपर सेलेक्ट कर लेना एंड थोड़ा सा बढ़ा लेना। ओके गाइस, एंड उसके बाद चले आना फिर से शैडो पर। शैडो पर आके गाइस सैचुरेशन माइनस की तरफ कर देना। ओके तो आप क्या करना, सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देन गाइस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अब चलाना गाइस इफेक्ट पर। इफेक्ट पर आके गाइस सबसे पहले क्या करना, टेक्सचुअल को थोड़ा सा बढ़ा लेना एंड उसके बाद कैलोरेटर को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना एंड डैच को थोड़ा सा बढ़ाना। उसके बाद फिगनेट को भी माइनस की तरफ कर देना। ओके, एंड मिड टोन को थोड़ा सा माइनस कर लेना एंड फेदर को प्लस की तरफ कर देना। राउंडलेस को भी प्लस की तरफ करना एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा प्लस कर देना। ओके, एंड उसके बाद चलाना डिटेल्स पर। डिटेल्स पर आके गाइस सबसे पहले क्या करना, यहाँ पर शार्पनेस देना पड़ेगा, तो सिंपली शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना। उसके बाद जो मैक्सिंग, मैक्सिंग को टू फिंगर से कुछ ऐसे कंट्रोल कर लेना, देख सकते हो कुछ इस तरह कर लेना। एंड नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना एंड उसके बाद चलाना कलर नॉइस। कलर नॉइस गाइस थोड़ा सा बढ़ाना। ओके, थोड़ा सा, एंड डिटेल्स फुल्ली एंड स्मूथनेस को भी फुल्ली बढ़ा लेना। सो गाइस देख सकते हो हमारा फोटो तैयार हो चुका है, तो आप लोगों को मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। तो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। सो आप क्या करना है, सिंपली गाइस फोटो को सेव करना है, तो सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सट्रोडेस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर राइट ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना। और गाइस हाँ, आप लोगों के लिए मैं फीसेट भी बना के रखा हूँ, चाहो तो फीसेट यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये था आज के लिए वीडियो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, आई होप गाइस वीडियो बहुत ही पसंद आई। पसंद तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और बेल आइकन भी बजा देना, क्योंकि ऐसा नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ऐसे कैसे नया वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।